आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि योग पीठ में साधु स्वाध्याय संगम को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने इस दौरान क्या कुछ कहा। ऊपर दुनियादारी में उनको कैसा भी चेहरा दिखाना पड़ता हो, अपने अपने स्थानीय आधार पर वो सहयोगी बन सकते हैं, उनको बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बनेंगे तो एक दिन ये संकोच भी उनका हट जाएगा और खुलकर वो राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करने वाले बन जाएंगे। अब बात निकली थी शासन वगैरह की, तो बात यही है, वहां अगर ऐसे लोगों का प्रमाण बढ़ जाता है तो फिर सारे संकोच खत्म हो जाते हैं। आज जो हमको दिखता है कि अपेक्षा तो बहुत थी, लेकिन दिया तो बहुत थोड़ा, जैसा हमको कहना नहीं पड़ेगा ऐसे दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पतंजलि योग पीठ में साधु स्वाध्याय संगम को संबोधित किया है और कहा है विपक्षी पार्टियों में विरोध की हिम्मत नहीं है। साधु स्वाध्याय संगम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है विपक्षी पार्टियों में विरोध करने की हिम्मत नहीं है। अभिवादन